दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और इसका साइज़ भी बहुत ही कम है, 28x25 फिट है। 28x25 हाउस प्लान मैंने डिज़ाइन किया है और इस मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा बेहतरीन तरीके से। इसका फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको एक बेहतरीन सा डिज़ाइनिंग मिलता है और साथ ही साथ साइड का व्यू भी आपको बेहतरीन सा मिलता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे, सर 28x25 का हाउस प्लान दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर मॉडल को डिज़ाइन किया है। इसकी रेलिंग की बात करें, फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको हट के और बेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस मॉडल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसे जूम करने पर आपको कैसा दिखने वाला है ये देखिएगा। यहाँ पर मैंने माई हाउस का यहाँ पर एक लोगो लगा रखा है, आप यहाँ अपने घर का नाम डला सकते हैं। इसका ये रेलिंग जो है वो एक डिजाइनिंग के पर्पज़ से ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये पट्टियाँ टाइप मैंने क्रिएट की हैं। और इसके बाद ये एक पैनल टाइप के यहाँ पर लगा दिया और ये जो ग्रिल मैंने बनाई है, ये ग्रिल देखिएगा आपका स्टील और आयरन का मिक्सचर है जिसमें कि मैंने रेड कलर का पेंट कर रखा है। फ्रंट की बात करें तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड में आपके एक बेडरूम है। उस बेडरूम में दो मैंने विंडो दिया है। विंडो का साइज 2x5 का है और यहाँ पर कोई डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये मैंने वॉल पर टेक्सचर दिया है, ये आप भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर से पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक इस मॉडल प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे एक लाल कलर का बटन आता है और उसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, तो आप उस पर दबा दें और साथ साथ बेल आइकन आएगा तो उसे भी दबा दें, जिससे आप हमारे सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। आप जब भी घर बनवाएं तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करें और यहाँ पर आपको नए नए आइडिया और नए नए डिज़ाइन ज़रूर मिलेंगे। आज का जो प्लान है 28x25 उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर आपको मैं ले चलता हूँ, क्योंकि ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, देखिएगा। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने एक बारंदे का डिज़ाइन साथ साथ फ्रंट में बेडरूम दिया है और ये बारंदे में मैंने एक ग्रिल इस्तेमाल की है, जहाँ पर एक आप ये मैन टाइप का खड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिल है। और इसके बाद फ्रंट में जो है यहाँ पर स्टेयर्स है जिससे आप अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैंने ग्रीन एरिया को छोड़ रखा है। और ये आपकी विंडो का डिज़ाइन है, ये आपका देखिएगा बीम है, बीम के ऊपर डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें क्रिएट की हैं। तो जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो आप बारंदे में पहुँच जाते हैं, देखिए आपका बारंदा है और इस बारंदे से मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। साइड में एक विंडो है और इधर जो बेडरूम है उसके लिए मैंने बाहर से ही डोर दिया, आप यहीं से एंट्री कर पाएंगे। एज अ गेस्ट रूम ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे एंटर करेंगे तो आप इस बेडरूम में पहुंच जाएंगे और आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद फिर से वापस होना होगा और इस मेन डोर से आपको अंदर जाना होगा। तो आप ये देखिएगा इस एरिया में आ जाते हैं और इस कॉर्नर पर आपको एक और बेडरूम मिलता है और इस बेडरूम में अलग से डोर और विंडो मैंने कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इधर आपकी स्टेयर्स हैं जहां से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर फिर से वापस आएंगे और उसी के नीचे लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट कर रखा है। और ये देखिएगा आपका किचन एरिया है, किचन मैंने फ्रंट में क्रिएट किया है और फ्रंट में विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके किचन का। तो ये 28x25 फीट में दो बेडरूम, किचन, लेट एंड बाथ, स्टेयर्स और छोटा सा बारंदा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके घर को एक नया लुक देता है। तो मैं इसे और जूम करके दिखाता हूँ, इससे आप इसका और टेक्सचर वगैरह, इसका डिज़ाइन वगैरह देख पाएँ प्रॉपर तरीके से, बेडरूम्स का और रेलिंग का। ये देखिए सारा डिज़ाइन आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं। ये बेहतरीन सा मॉडल जो 28x25 में बना हुआ है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसा कि मैं फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी आपको पहले से दिखा चुका हूँ, ये देखिएगा फर्स्ट लास्ट फ्लोर से बोल सकते हैं। चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में ग्रिल इस्तेमाल की है, इधर यहाँ पर मैंने ये रेलिंग और इस्तेमाल की, इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है, पट्टियाँ दी हैं। ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी है, उस पर मैंने छत बना दी है और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो टाइप की लगा रखी है। तो ओवरऑल 28x25 फीट में घर बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको मॉडल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं स्मॉल हाउस प्लान से तो आप एक बार ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार ज़रूर विजिट करें, इससे आपको नया लुक मिल सके, नया आइडिया मिल सके अपने घर को डिज़ाइन करवाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।